Danish bete, Danish bete. मैं आई तो कानून से बोल रहा हूँ। जनाब स्पीकर, जनाब, आपस में बात नहीं करे, दनेश, इसको क्या हुआ? हाँ? क्या? बैठे हैं। जी जरूर सर। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, हुआ क्या है? क्या हो गया? क्यों? बैठे आराम से, आराम। जनाब स्पीकर, जिस तरह जनाब स्पीकर, ये तो कैसे कैसे जमहूरियत है कि आप लोगों बात करने से रोकते हैं? ये कैसे जमहूरियत के चैंपियन लोगों से बात करें रोकते हैं? क्या आप डिक्टेटर हैं कि आप जो है यहाँ पे डिक्टेट कराना चाहते हैं? ये भाई जज के कंडक्ट पे नहीं कर सकते, फैसले पे किया जा सकता है। जी मैंने फ्लोर दे दिया, आप बात कर। आप नहीं, आप अथॉरिटी नहीं, आप अथॉरिटी। जी जरूर साहब बात कर लें, और अपोजिशन के बात करें, अपोजिशन के माइक बंद करें। बैठो ना, तुम बैठो। आप मुझे वार नहीं कर सकते, शांत यार, इसको बैठाओ, ऐसा करें। बैठो यार, आपको अपना मौकिफ पेश करने की इजाजत दे रहा हूँ। आप उनका मौकिफ सुनिए। मुझे 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 आईन और कानून ने यह हक दिया हुआ है, मुझे डेमोक्रेसी ने यह हक दिया हुआ है, मुझे मेरे हलके के लोगों ने यह हक दिया हुआ है कि मैं असेंबली में जाकर उनकी नुमाइंदगी करूं। ये कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? ऑर्डर इन द हाउस, डेमोक्रेसी के चैंपियन। अगर आप लोग नहीं चाहते फिर कार्रवाई खत्म करेंगे, इजलास इजलास मुलतवी किया जाएगा। अगर आप लोग इस तरह गणेश साहब बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये तरीकाकार नहीं होता है, ये तरीका नामुनासिब है। आप लोग बैठ जाइए। जनाब स्पीकर, मुझे मुझे बोलने का हक यहाँ पे सना बलोच या अमल कलमती ने नहीं दिए, मुझे मेरे हलके के लोगों ने दिए, मुझे इलेक्ट करके भेजा है। मैं ये इस फैसले का असरात पूरे पाकिस्तान पे पड़ रहे हैं। इसने हमारी कौम की जो है एक इमेज बिगाड़ के रखी है कि आप ये फैसला दे दें कि जी एक मुर्दे को तीन तक लटका दें। चुनाव स्पीकर, मुहज़्ज़ब दौर में ये कहाँ का फैसला है? ये कौन सी कौम है इसको कबूल करेगी? चुनाव स्पीकर, मुनसफी कभी अपना जो है एक तकाजा होता है। जनाब स्पीकर, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, ये कोई स्टोन एज नहीं है जनाब स्पीकर, कि हम जो है पुराने बादशाहों की तरह एक मुर्दे को बगैर जो स्टेशन पे पड़ा हुआ है, जिस जो बीमार है, बगैर उसको सुने ये फैसला दे देना, ये जजमेंट दे देना कि जी उसका जो है उसका लाश, जब उसकी लाश को तीन दिन लटका दी। जनाब स्पीकर, ह्यूमन राइट्स कमीशन, जनाब स्पीकर, लिबरल तंजीमें, जनाब स्पीकर, दुनिया का आरू और बाज़मीर इंसान कोई ये बात गवारा नहीं करता कि एक मुर्दे लाश को आप जो है तीन दिन तक लटका दी। जनाब स्पीकर, इस फैसले से मैं परवेज मुशर्रफ ने जो जुर्म किया है उस पर मैं नहीं बोलता, जो गलती की है हर कोई अकाउंटेबल है। लेकिन जनाब जनाब स्पीकर, अगर अगर मुनसिफ अगर मुनसिफ कातिल की तरह बात करे तो जरूर बहसियत नुमाइंदा मैं बोलूंगा, मैं एतराज करूंगा, मैं उस पर जो है आवाज उठाऊंगा। ये फैसला एक नहीं हो सकता, ये फैसले पर बात नहीं कर रहे हो, अपना मौकिफ बयान कर रहे हो। मुर्दे को तीन दिन बयान कर रहे हैं, सुने उनको। कौन सी इंसान दोस्त तंजीमें है, अकवामे मुत्तहिदा की तंजीमें है जो इस बात को सपोर्ट करती हैं कि एक मुर्दे को लटका दे। मुझे आज अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ और हमारे अपोजिशन मेंबरान यहाँ पर बैठ के मुझे इंसानियत की बात करने से रोक रहे हैं। जनाब स्पीकर,
वो जज भी बशर है, उससे भी गलती हो सकती है। मैं नहीं कहता कि उसने जो है वो जो है मुंसिफ से गलती नहीं हो सकती। जनाब स्पीकर, मैं बहैसियत असेंबली मेंबर मैं भी गलती कर सकता हूँ। जनाब स्पीकर, परवेज मुशर्रफ भी गलती कर सकता है। जनाब स्पीकर, जज भी गलती कर सकता है। मेरा कहने का मतलब, बैठ जाए, मैं कार्रवाई आगे बढ़ाता हूँ, लोग बैठ जाए। कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियां एक मुर्दे को लटकाना चाहती हैं। जनाब स्पीकर, ये है इनकी जरूरत, और इस रवायत को लेके वो बलूचिस्तान का अमीर बनना चाहते हैं। एक मुर्दे को लटकाना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, मैं बोलूंगा, मुझे मेरा हक है ये बोलना। मैनेस्टर साहब, आप मुख्तसर कर लिया अपना मौकिफ। मैनेस्टर साहब, मैं दरअसल जनाब स्पीकर एक मुनसिफ और कातिल के दरमियान फर्क बता रहा हूँ। कातिल वो कहता है कि मुर्दे को लटकाओ। एक मुनसिफ का ये फैसला नहीं हो सकता। जनाब स्पीकर, हाउस चलाने देंगे नहीं तुम्हें, मैं इजलास मुलतवी कर दूंगा। बैठ जाए दिनेश, बैठ जाए जब भाई। दिनेश साहब प्लीज बैठ जाइए। अहमद नवाज, बैठ। कार्रवाई आगे जाने देंगे या मुलतवी कर लिया इजलास? ऑर्डर इन द हाउस। अख्तर लांगो साहब बैठ जाए। दिनेश, ये तरीका नहीं होता बात करने का। ये कौन सा तरीका है? आप लोग किस तरह बात कर रहे हैं हाउस में बैठकर? नहीं मिला है, किसने दिया आपको फ्लोर? पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मिनिस्टर साहब करें, जब मैं बता रहा हूँ वो खत्म कर रहे हैं, अपनी बात खत्म कर रहे हैं आप। खत्म नहीं हुआ है जनाब, खत्म कर ले। मुझे शोर शराबा क्या, मैं कंक्लूड मौकफ रखूंगा। कंक्लूड कर लिया। ये हक मुझे मेरे हरके के लोगों ने दिए, मैं किसी अपोजिशन मेंबर से नहीं लेना चाहता। बैठ जाए। मुझे मेरे हल्के ने इलेक्ट करके यहाँ भेजा है कि मैं मौकफ बयान करूँ। मैं आपसे टाइम नहीं मांग रहा। ये मेरा इस्तेहकाक है, मुझे मेरे हल्के के लोगों ने वोट देके भेजा कि मैं बोलूँ। बैठ जाए। आप डिक्टेटर हैं, वो किस तरह बात करेंगे, आप कैसे बता सकेंगे उनको? अहमद नवाज पे नहीं बोल रहा, उनका अपना मौकफ है, उनकी अपनी बात है, उनकी अपनी पॉलिसी है। मैं किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं इस बात पे बोल रहा हूँ कि मुनसिफ और एक कातिल में फर्क होना चाहिए। मिनिस्टर साहब अपनी बात आगे बढ़ाए और खत्म कर ले। अगर जनाब इसमें इजाजत तो डेकोरम मेंटेन करें, मैं बात करूंगा। बैठ जाए अहमद नवाज साहब, बैठ जाए। डेकोरम मेंटेन करें, मैं बात करूंगा। ये तरीका नहीं होता है जिस तरह आप लोग। जनाब स्पीकर ने मुझे बात नहीं कर रहे थे, मेरा गला बैठा कर बात करने दी, उसके बाद आपको मौका, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करेंगे तो मौका मिलेगा। मैं इस असेंबली के तवसुत से पूरे बलूचिस्तान में पैगाम देना चाहता हूँ। आप शेयर को मुखातिब कर लो और खत्म कर लिया अपनी बात। मुझे 5 मिनट दें। जी जी, पांच मिनट बात खत्म कर लो। मैं कार्रवाई नहीं चलाऊंगा, मैं इजलास मुलतवी कर लूंगा। जिस तरह आप लोगों का रवैया है वो बिल्कुल नामुनासिब है। दिनेश साहब बैठ जाए। दिनेश साहब बैठ जाए। आप आपकी बातें रिकॉर्ड में नहीं आ रही, आप सबकी बातें रिकॉर्ड पर नहीं आ रही है। आप बैठ जाए, एक एक बात कर। आप बैठ जाइए, मैं मुझे बात करने दे, मुझे बात ही नहीं करने देना। जनाब स्पीकर, जब तक मैं किसको बिठाऊंगा किसको नहीं बिठाऊंगा, आप डिक्टेट नहीं कर सकते। मुझे कोई भी नहीं कर सकता मुझे डिक्टेट।
बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज, बैठ जी। रूल ये है कि आप कवायद इंजबातिकार के जो रूल 203 है आप उनको पढ़े, अगर आप लोग हद से ज्यादा मुदाखलत करेंगे मेरी काम में तो फिर मैं इजलास मुलतवी कर लूंगा। राय तो फिर आप बात करने दें, आप रूल के मुताबिक चले, आप सारे बैठ जाए। अदालत का फैसला जेर बेस नहीं ले, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़े, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर उन्हें इजाजत देखे, उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर स्पीकर साहब ने बात करने की इजाजत दी है तो उनको बात मुकम्मल करने दे आप, ये तरीका है। खुदा ना खास्ता अदालत की तोहीन नहीं करना चाहता, मैं अदालत की इज्जत करता हूँ।